Assalamualaikum, नमस्ते, सत श्री अकाल, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ अजिकाली और मेरे साथ हैं नमस्ते सत श्री अकाल, उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जा रहे हैं, खुश रहे, माँ बाप का ख्याल करें क्योंकि माँ बाप है तो सब कुछ है। आज की हमारी वीडियो है मीट डियर सर। सो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, सो लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, तो वीडियो का टाइटल है मीट डियर सर एपिसोड 56, सो स्टार्ट करते हैं। आज जो हमारे गेस्ट हैं यहाँ पर पीछे बैक स्टेज पर, उनके यूट्यूब चैनल के ऊपर 1,30,00,000 सब्सक्राइबर्स हैं, यानी कि 13 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं। प्लीज गिव एन एनर्जेटिक एंड वार्म वेलकम टू द फाउंडर ऑफ डियर सर चैनल। ये नाम कहाँ से आया आपके चैनल का, डियर सर, यही क्यों रखा नाम? सर, इस नाम को भी सोचने में 3 दिन लगे थे पूरे, क्योंकि नाम के पीछे कई सारे हमने पॉइंट्स हाईलाइट कर लिए थे कि नाम एक तो बहुत सिंपल हो और जो रिकॉल वैल्यू जनरेट करता हो, और सिलेबल होते हैं, मतलब सिलेबल जैसे कि इंटेलिजेंट वर्ड है तो उसमें 3 सिलेबल है इंटेलिजेंट, तो इस तरीके से सिलेबल कम हो ताकि बोलने में ज़्यादा दिक्कत ना हो मुँह को, ठीक है? तो इसलिए सब चीज़ें सोची। अब मैथ टीचर की एक वो इमेज है कि सख्त खड़ूस, ठीक है, डंडा लेके आगो मारधार शुरू आ गई, तो इस चीज़ को हटा के कि मैथ टीचर मतलब सर हैं तो वो भी एक प्यारा हो सकता है, तो प्रिय सर इस तरीके से वो डियर सर कहीं ना कहीं बन के वो निकल के आया। बहुत बढ़िया। मैं पिछले कुछ दिनों से मेंटलिज्म सीख रहा हूँ। मेंटलिज्म पता है आप लोगों को क्या होता है? उसमें सामने वाले के माइंड को रीड करना होता है, समझना होता है कि उसके माइंड में क्या चल रहा है। तो मैं आज इनके साथ में कुछ करने की कोशिश करूंगा। आई ट्राई टू डू समथिंग, इट मे और मे नॉट वर्क, क्योंकि अभी मैं नया सीखा हूं, तो हो सकता है वो काम करे, हो सकता है ना करे। करे तो बहुत बढ़िया है, नहीं करे तो कोई बात नहीं, फेलियर इज अ पार्ट ऑफ लाइफ। अब अपने क्वेश्चन आंसर शुरू करते हैं। सर थैंक्स अ मिलियन इस मोमेंट के लिए। और सर मेरा क्वेश्चन आपसे ये था कि आप एक यूट्यूबर भी हो विद अ वेरी बिग हैंडल, आप एडिटर भी हो, आप टीचर भी हो, आपकी पर्सनल लाइफ भी होगी, प्रोफेशनल लाइफ भी है, तो सर आप ये सब चीज कंसिस्टेंटली मैनेज किए जा रहे हो। एज ए स्टूडेंट हमें पढ़ना होता है, हमसे वही नहीं होता तो एक काम भी नहीं होता हमसे, मतलब मैं पर्सनली अपनी बता रहा हूँ, डेली नहीं पढ़ पाता। बात सोचता हूँ 10 घंटे पढ़ूंगा, पढ़ता हूँ 2 घंटे, किस दिन सोचता हूँ 12 घंटे पढ़ूंगा, एक कुछ नहीं पढ़ा, प्लानिंग में निकल गई दिन। और सर आप कंसिस्टेंटली किए जा रहे हो उस चीज को, तो सर वो चीज थोड़ा हमें भी बताओ। कंसिस्टेंसी की अगर मैं बात करूं तो ऐसा नहीं है कि सब चीजें बिल्कुल प्रॉपर चल रही हैं, चीजें आगे पीछे होती रहती है, ठीक है, फैमिली है या फिर पर्सनल लाइफ भी है। अब जैसे कि वीडियो भी आज जानी थी, वे चैनल पे नहीं जा पाई, एडिटिंग नहीं हो पाई, ठीक है, तो चीज़ें चलती रहती है। बट ये कि करना ज़रूरी है, छोड़ देने से तो बेहतर है कि आप चीज़ें करते रहें। अगर आपने छोड़ ही दिया कि मुझे करना ही नहीं है, फिर तो वो वैसे भी नहीं हो पानी। तो इसीलिए जितनी भी चीज़ें आप लेके चल रहे हैं अपनी पर्सनल लाइफ है, सोशल लाइफ है, स्टूडेंट वाली लाइफ है, तो चीज़ें आपको थोड़ी 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 रोज़ करनी है। आपको अपने दिन, जो भी आपका पूरा दिन है, उसको पार्ट में डिवाइड करना है कि इतने घंटे मेरे फैमिली के, ये घंटे मेरे काम के, ठीक है, ये घंटे मेरे पढ़ाई के, ये खेल ले के, तो उसमें ऊपर नीचे हो जाता है, कभी पढ़ाई ज़्यादा हो जाती है, कभी पढ़ाई बिल्कुल भी नहीं होती, ज़्यादा तो नहीं होती होगी वैसे, ठीक है, नहीं होगा तो वो चीज़ें ऊपर नीचे हो सकती है, बट ये कि आपको रोज़ाना चीज़ें सारी करनी है, ये आप सोच के चलेंगे, ठीक है। मेरा आपसे एक क्वेश्चन है, अभी आप किस में, स्कूल में, कॉलेज में है? सर मैं नीट की प्रिपरेशन करता हूं। अच्छा, आपने 12th कर ली है? हाँ जी सर। मेरी आदत क्या है, मैं काउंटर क्वेश्चन नहीं करता हूँ, जब भी कोई क्वेश्चन पूछता है, ये क्वेश्चन बहुत कॉमन है, बहुत अलग अलग गेस्ट से लोगों ने क्वेश्चन पूछा है, तो अब मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि जब आप ये क्वेश्चन पूछते हो आपका मतलब क्या है, कि भाई आप इतने कंसिस्टेंट कैसे रहते हो, इतना सब कुछ मैनेज करते हो, आपकी भी लाइफ में बहुत कुछ हुआ होगा 12वीं तक, नहीं हुआ क्या? हुआ है। आपकी स्माइल से तो लग रहा है कि कुछ हुई है, हुई है या हुआ है? वही हुई, समझ जा। देखो क्या होता है कि लाइफ में सबके बहुत कुछ होता है, फैमिली से रिलेटेड इश्यूज चलते रहते हैं, पर्सनल इश्यूज चलते रहते हैं, ठीक कह रहा हूँ? हाँ सर, कोरोना तो नहीं आ रहा? नहीं नहीं। अच्छा ठीक है, हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज चलते रहते हैं? हाँ जी सर। कभी लगता है एकदम से ही कि हाँ ये कर देंगे वो कर देंगे, फिर उसके बाद में अगले दिन कहते हैं छोड़ना बहुत हो गया, दो दिन का ब्रेक लेते हैं। इनफैक्ट मेरे साथ भी होता है, मैं बता दूं, कभी कभी सर लगता है कि बहुत कुछ कर लिया, ठीक है, टॉप चैनल्स बना लिए, ठीक है, इतना सब कुछ मतलब सर्विस दे दी, कभी कभी लगता है कि मैंने क्या किया, कुछ भी नहीं किया, तो ये चीजें होती रहती है, मोटिवेशन आपका ऊपर नीचे होता रहता है। आप ये क्वेश्चन तो पूछते हो कि कंसिस्टेंट कैसे रहे, इस क्वेश्चन का मतलब क्या है कि आपको ऐसा लग रहा है कि हमारे अंदर कुछ खास है जो आपके अंदर नहीं है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आपने अपनी 12th पास करी है तो इसका मतलब
नर्सरी से लेकर के 12th तक आप कंसिस्टेंट थे, तभी तो बाहर निकले, नहीं तो अभी नर्सरी में होते है कि नहीं। आपने नर्सरी करी, फिर फर्स्ट, फिर सेकंड, थर्ड, कितना लंबा रास्ता था जी, कहीं भी अटक सकते थे। कुछ लोग होते हैं अटक ही जाते हैं, 10th में 10 बार अटके पड़े हैं, ऐसा कुछ नहीं हुआ ना आपके साथ में? नहीं, नहीं, निकलते चले गए, एक बार भी नहीं अटके? नहीं, एक बार भी नहीं अटका। देखो क्या कमाल की, आप मेरे को बताओ कि आप इतने कंसिस्टेंट कैसे हो? आपकी फैमिली में इतनी प्रॉब्लम्स हुई होगी, और हो सकता है दिल का भी कुछ मामला हुआ हो, और हेल्थ से भी रिलेटेड इश्यूज हुए होंगे आपकी लाइफ में, पता नहीं क्या क्या चला होगा, फिर भी आप इतने कंसिस्टेंट कैसे हो, एक बार भी फेल नहीं हुए और आगे बढ़ते ही चले गए, 12th भी आपने पास कर ली, अब आप नीट की तैयारी कर रहे हो, एक दिन डॉक्टर भी बन जाओगे, आप इतने कंसिस्टेंट कैसे हो, हमको सिखाओ ना। सर ये एक्चुअली कंसिस्टेंसी नहीं, ये डर था। या तो डर होता है या लालच होता है, देखना दो ही वजह से एक आदमी काम करता है, या तो पेन या प्लेजर जी, फियर ऑफ पेन और डिजायर ऑफ प्लेजर, इसी दो वजह से इंसान काम करता है, और क्यों करेगा काम, वरना कोई काम ही नहीं करेगा। कोई ऐसा काम आपको करना पड़े सुबह से रात तक जिसमें दर्द ही दर्द हो, तो करोगे क्या? तो दर्द को अवॉइड करने के लिए आप काम करते हो, प्लेजर के लिए काम करते हो, ठीक कह रहा हूं ना? प्लेजर के लिए कुछ करते हो, नहीं करते हो, या सिर्फ पढ़ते रहते हो? नहीं नहीं, तो डर की वजह से पढ़ते, कॉन्शियस हो गए, नर्वस हो रहा हूं आपके सामने। अरे यार छोड़ दो ना, मजाक कर रहा हूँ, कोई बात नहीं है ना, मेरे को ये नर्वसनेस देखने में बड़ा मजा आता है। ये जो हल्की हल्की हंसी होती है ना, कि कुछ समझ भी आ रहा है नहीं भी आ रहा है, कुछ बोलना भी चाह रहे हैं नहीं भी बोल पा रहे हैं, कैमरास लगे हुए हैं, क्या करें, समझ नहीं आ रहा है, कितनी बातें कहें कितनी ना कहें, हमारे लिए मोमेंट बहुत प्रीशियस होता है। अरे वाह, इंस्पिरेशन के सामने बोल रहे होते हो, थैंक यू सो मच सर, मोस्ट वेलकम जी, मोस्ट वेलकम, प्लीज हैव अ सीट। सर मेरा आपसे ये क्वेश्चन है कि आप अभी इतने सक्सेसफुल हैं, तो वो एक थॉट प्रोसेस या वो नींव क्या थी आपकी, कि आपके मन में ये आया कि नहीं अब तो यही करना है? देखिए एक लाइन में इसका मैं आंसर दूंगा, सिर्फ जो सोच थी वो ये थी कि इंडिया के हर एक बच्चे के अंदर से मैथ्स का डर ख़त्म करना। और यहीं से आपको ना अगली जो बात है मेरी वो ये है कि व्हेन योर व्हाई इज क्लियर हाउ बिकम्स इजी, जब आपका क्यों क्लियर है ना कि मुझे ये काम क्यों करना है, तो वो कैसे करना है उसके रास्ते तो आपको मिल ही जाते हैं, समझे? तो यहाँ पे व्हाई क्लियर था, बचपन में हमें भी ये प्रॉब्लम ठीक है फेस करनी पड़ेगी, मैथ्स समझ में नहीं आ रही, ठीक है, तो यही टारगेट है कि मैथ्स का डर ख़त्म करना है, इसीलिए मैंने ये नारा रख रखा अपना कि कॉन्सेप्ट इज पावर, कि अगर आपका रूट जो है जड़ कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, तो फिर आपको प्रॉब्लम नहीं होनी। तो वाई आपका अगर क्लियर है कि कोई भी काम आप क्यों कर रहे हो, तो वो कैसे करना है, फिर वो रास्ते तो आप खुद ही निकाल लेते हो। थैंक यू सर, थैंक यू सर। सर लाइक मैं 19 इयर्स का हो चुका हूँ, और मैं चाहता हूँ कि मैं अपने पेरेंट्स के लिए अब ज़्यादा लोड ना बनूँ, लाइक आई वॉन्ट कि मैं अब इंडिपेंडेंट बन जाऊँ, और मतलब लाइक मैंने अभी टीचिंग और मेंटरशिप चालू करा है, ताकि मैं चाहता हूँ कि अब पेरेंट्स से कुछ ऐसा पैसा वैसा ना मांगूँ, बट अभी वो दुविधा में हूँ कि मांगना चाहिए नहीं मांगना चाहिए। मेरे पापा कभी कभी पूछते कि जितना पैसा मैं अभी कमा रहा हूँ, जितना मैं कर रहा हूँ तेरे लिए कर रहा हूँ, पर मेरे को मांगने में खराब लगता है। इनके पास ऑप्शंस हैं कि ये मांग सकते हैं, बट ये जब भी नहीं मांग रहे, मतलब इनके अंदर एक डिज़ायर है कि ये कुछ खुद से करना चाह रहे हैं, जो कि एक अच्छी बात है इनकी। बाकी सर आप उनको हक से बोल सकते हो, क्योंकि अभी आप इंडिपेंडेंट नहीं हुए हो कि मुझे पापा ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, वो चाहिए, वो मना थोड़ी ना करेंगे, वो दिला देंगे, बट द पॉइंट इज आपके अंदर से आ रहा है कि नहीं मैं जो करूंगा अपने दम पर करूंगा, और एक दिन ऐसा होगा कि जब मैं उनसे मांगूंगा नहीं बल्कि उनको कुछ गिफ्ट करूंगा, अपने पेरेंट्स को, ऐसे कुछ आपके अंदर थॉट चलता है? यस सर। तो ये बहुत अच्छी क्वालिटी है बॉस, दिस इज एन एक्सीलेंट क्वालिटी, दिस इज द क्वालिटी ऑफ समबडी जो लाइफ में आगे जाकर के कुछ बहुत बड़ा करने वाला है, क्योंकि ये जो मांगने की आदत है ना, और फ्री में मिल जाने की आदत है, और यूट्यूब पे तो बहुत ही कॉमन है, फ्री बीज चलते हैं, क्या बोलते हैं, गिव अवेज। पर्सनली मुझे ये वर्ड पसंद नहीं है, और आई एम नॉट श्योर जो लोग ये गिव अवेज के पीछे भागते हैं उन लोगों का माइंडसेट क्या होता है। सारा खेल लाइफ में माइंडसेट का है, क्या आपका माइंडसेट क्या है, क्या आपको फ्री में कुछ चाहिए, वो भी किसी अनजान आदमी से? आप कह रहे हो नो सर, बट करते तो कुछ और ही हो आप लोग। जिस भी वीडियो में गिव अवेज होते हैं उस वीडियो पे कितने व्यूज होते हैं, और जिसमें नहीं होते गिव अवेज वहां पे देखो कितने व्यूज होते हैं। वो थोड़ा सा गिव अवे कुछ देते हैं, उसके बाद में बोलते हैं कमेंट कर दो, कर देंगे सर, लाइक कर दो, कर देंगे सर, ये कर दो, कर देंगे सर, आप बस हमको ये मोबाइल दे दो। सर अगर पेरेंट्स की तो बात अलग है, वो तो फ्री में जान भी दे देंगे, बट अगर कोई और अननोन पर्सन स्ट्रेंजर आपको फ्री में कुछ दे रहा है, इसका मतलब वो कुछ ना कुछ तो आपसे ले रहा है,
फ्री में वो कोई चीज नहीं देता। क्या आपका टाइम वैल्यूएबल नहीं है, आपकी अटेंशन वैल्यूएबल नहीं है, कुछ ना कुछ तो आप पे कर रहे होते उस चीज के लिए। और मेरी इस बात को ध्यान से सुनना, ध्यान से समझने की कोशिश करना कि अगर लाइफ में एक्चुअल में आप कुछ बड़ा करना चाहते हो तो ये क्वालिटी आपके अंदर होनी चाहिए कि अगर मैं किसी से कुछ ले रहा हूं तो बदले में मुझे उसको उतना ही वापस करना है। इसको बोलते हैं विन-विन सिचुएशन, इसको बोलते हैं फेयर डीलिंग। ऐसे नहीं कि मैंने ले तो लिया लेकिन मैं दे नहीं रहा हूं, इससे एक इंसान की सोच पता लगती है। तो अपनी सोच ऐसे रखो कि मैं इस दुनिया को क्या दे सकता हूं, जो इस दुनिया की एक्चुअल में जरूरत है उसको कैसे पूरी कर सकता हूं। ये एक बहुत कमाल की सोच है जो बहुत कम लोगों की होती है। ज्यादातर लोगों की सोच क्या है कि फ्री में मिल जाए। तो मैंने भी करा है सर। वैसे आपने कुछ ऐसा किया है? हाँ सर। क्या किया है आपने? सर मैं वैसे जेई मेंटरशिप करता हूँ अभी तक फ्री में, 320 प्लस मेंबर्स हैं टेलीग्राम पे। और अभी कुछ दिन पहले ही मैंने पेड मेंटरशिप चालू किया था 50 रुपये महीने पे। और ज़्यादा टाइम ना लेते हुए मैं बस एक लाइन बोलना चाहूँगा, मेरा हमेशा से सपना आईआईटी बॉम्बे रहा था, आईआईटी दिल्ली कभी नहीं आना था। बट मैंने 3 लोगों के कारण आईआईटी दिल्ली पहले चुना, पहले अलग सर, दूसरे आमंद अत्रवाल भैया, तीसरे आप। थैंक यू सर। मैं इनके साथ में एक एक्ट परफॉर्म करने वाला हूँ। अच्छा आप पहले कंफर्म करिए, आज से पहले हम कभी नहीं मिले हैं? बिल्कुल सर, कभी नहीं मिले, हम डायरेक्टली स्टेज पे ही मिले हैं। आपको ये फर्स्ट टाइम देख रहे हैं? वैसे मैं भी आज फर्स्ट टाइम आपको लाइव देख रहा हूँ। मैं भी आपसे फर्स्ट टाइम मिल रहा हूँ, आप भी मेरे से फर्स्ट टाइम मिल रहे हो। इससे पहले हम नहीं मिले हैं, ना हमारी टीम ने आपको कुछ भी बोलने के लिए यहाँ पर कहा है। नहीं ऐसा कुछ मुझे भी नहीं बताया गया, तो मैं भी क्यूरियस हूँ कि पता नहीं क्या करने वाले हैं सर अभी। राइट, देखते हैं। तो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी होती है जिसमें इंग्लिश के वर्ड्स होते हैं, करीब करीब उसमें 170,000 से ज्यादा वर्ड्स हैं ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अंदर। तो उसमें से आप कोई भी वर्ड सोच सकते हैं। अच्छा उससे पहले मेरे को एक मोबाइल चाहिएगा, किसी का कोई मोबाइल है अपनी टीम के पास में? हाँ दे दीजिए, दे दीजिए। 170,000 में से आप कोई भी वर्ड सोच सकते हैं, मुश्किल से मुश्किल, आसान से आसान, आपकी मर्जी। आंख बंद कर लीजिए एक बार, क्लियरली एक एक अल्फाबेट को आप देख लीजिए। तो वर्ड आपका जो है वो थोड़ा लंबा है, यानी कि 8 या 9 के आसपास लेटर्स हैं। बिल्कुल सर, ठीक है। आपने यही वर्ड क्यों चूज किया, उसके पीछे कोई रीजन? सर क्योंकि ये वर्ड एक पॉजिटिव वाइब देता है और इसीलिए बस चूज किया मैंने। आप आंखें खोल सकते हो, मैं उसको टाइप कर रहा हूं। ठीक है, अभी तक आपने मेरे को नहीं बताया है जी, ना ऑडियंस को बताया है ना मेरे को बताया है, सिर्फ इनके माइंड में है वो वर्ड। ठीक है, पता करने का मेरे पास में कोई तरीका नहीं है, तो मैं प्रेडिक्ट कर रहा हूं। आई एम प्रेडिक्टिंग कि वो वर्ड क्या होगा। ओके जी, तो मैंने जो वर्ड है उसकी एग्जैक्ट प्रोनंसिएशन क्या होनी चाहिए वो YouTube पर ओपन कर दी है। अच्छा, अब सवाल उठता है कि ये सही है या नहीं है। एक बार आप ऑडियंस को बता दीजिए कि क्या वर्ड है वो। मैंने वर्ड सोचा था, मैं मोबाइल को नहीं छू रहा, आप देख सकते हो, मैं प्रेडिक्शन कर चुका हूं ऑलरेडी। हाँ अब देखते हैं क्या मैंने है जो वर्ड सोचा था वो था ब्यूटीफुल। आपने शायद मोटिवेशन भी सोचा था अपने माइंड में, राइट? मोटिवेशन भी था बट मुझे लगा वो आप जल्दी गेस कर लेंगे तो इसीलिए। मेरे माइंड में सबसे पहला जो वर्ड आया था दैट वाज मोटिवेशन जी। फिर मैंने कहा नहीं यार मोटिवेशन तो नहीं है, क्योंकि ये मोटिवेशन को टच करके निकल गए थे आप जी, क्योंकि मोटिवेशन की तो बातें यहाँ होती है तो वो तो लेना ही नहीं था। राइट, वो ऑब्वियस हो जाता और अच्छा कि आपने वो नहीं लिया। आप एक बार चेक करिए, लेट्स सी गाइस, वो एमजी दिखाइए एक बार, सबको दिखाइए। हाउ इसमें अभी एक वीडियो चल रही है हाउ टू प्रोनाउंस ब्यूटीफुल। कमाल कर दिया सर, कमाल कर दिया। एक बार सर के लिए इसके लिए तो बनता है। थैंक यू सो मच। जी जनाब। अच्छा मुझे भी ये मेंटलिज्म सीखना है भाई, मैं अच्छा। दम की दंग रह जाती हूँ। एक चीज और यार,
उन्हें ये भी पता चला कि वो मोटिवेशन को टच करके ब्यूटीफुल की तरफ गए? ये कैसे पता चल गया? चलो एग्जैक्टली वर्ड पता चल गया, समझ आता है, लेकिन यार इतना अच्छा उन्होंने कहा कि पहले आपने मोटिवेशन सोचा था, फिर आपने सोचा कि ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप गैस कर लोगे इजीली कि मोटिवेशन से वो रिलेटेड है। यार लाखों वर्ड्स में से एक वर्ड्स और वो मतलब कैसे? अच्छा मुझे ऐसा लगता है सुहानिशा इनके पास आई थी तो उनकी बड़ी अच्छी गपशप हुई, तो उन्होंने कुछ ट्रिक्स बताई होंगी और ये वैसे ही मुझे लगता है ये शायद ये इल्म दे दिया हो थोड़ा बहुत। ट्रिक्स होती हैं ये, वैसे ट्रिक्स है तो ये बता दिया होगा कि किस किस तरीके से आप किसी की माइंड को पढ़ सकते हैं, उसके माइंड में इस वक्त क्या वर्ड। अच्छा मेंटलिज्म एक बेसिकली एक सब्जेक्ट है। बिल्कुल बिल्कुल, जैसे मैथ्स है, जैसे इंग्लिश है, वैसे। लेकिन उन्होंने अभी कह रहे हैं कि मैं अभी सीख रहा हूँ, गलत भी हो सकता हूँ। खैर भाई बहुत अच्छा सीख चुके हैं, वैसे भी मतलब ये ध्यान लगाना, कंसंट्रेशन करना, ये अच्छी चीज़ है मेडिटेशन, तो इनके साथ ये चीज़ें वैसे ही थी तो इनके लिए ज़्यादा आसानी हो गई। खैर बात करते हैं मोटिवेशन पे, बात करते हैं कंसंट्रेशन पर, कि आप किसी चीज़ को मुस्तकिल मिजाजी के साथ कैसे करते हैं, तो क्यों करते हैं? अच्छा हर शख्स कामयाब होना चाहता है, हर शख्स मतलब कि ज़िंदगी में कुछ करना चाहता है, लेकिन सबसे मेन चीज़ है माइंडसेट। हमें पता ही नहीं हमने क्यों करना है, हमें पता ही नहीं हमने ये करना तो है लेकिन हमारा मकसद क्या है। जब तक आपकी ज़िंदगी देखिए एक होता है ना, एक फायर होता है, फायर करते हैं हम, उसका कोई निशाना होगा तो फायर लगेगा ना। हम कहें मुझे फायर करना है, ठा 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 कोई गोली, ठीक है ना, फायदा नहीं। हम गाड़ी है हमारे पास, हमने अपनी मंजिल पर जाना है, हमें पता ही नहीं अपनी मंजिल। अच्छा मंजिल पता चल गई, मैंने जाना है, क्यों जाना है? मेन चीज ये है क्यों जाना है, मंजिल पर जाना है, चलो मंजिल पता है आपको, करना क्या है, वहां क्या करना है चलो पता है, लेकिन क्यों करना है, इसके पीछे रीजन क्या है? जैसे कि मैं ही कहूंगी, एक तो लाजवाब कर दिया संदीप महेश्वरी ने, जो पहले जो बॉय थे वो थे और उन्होंने जो पूछा मैं 12th में हूँ। अच्छा बड़ा खेलते हैं लोगों के साथ, बड़ा मतलब अच्छा कहते हैं कि मुझे ऐसा लगा कि ये क्वेश्चन काफी बार आ चुका था। अब ना इन्होंने बोला कि हर बार हर सेशन में तुम लोग पूछते हो, अब मुझे बताओ तुम लोग समझते क्या हो, तुम लोगों को क्या लगता है? अच्छा अभी के बाद मुझे 100% श्योरिटी है ये क्वेश्चन कोई नहीं करेगा। इतना क्लियर कर दिया कि बाकी 12 तक तुम आए हो तो वाकई तुम कंसिस्टेंट थे, तभी तुम 12 तक आया, नहीं तो तुम तो नर्सरी माउंट में ही रहते है ना, तो तुम आगे बढ़ते रहे। तो इसका मतलब क्या, हमारे पास कोई एक एडिशनल शक्तियाँ नहीं है, हमारे पास कोई ऐसी पावर्स नहीं है जो आपके पास नहीं है, हम भी आपकी तरह के ही लोग हैं, हमसे भी थोड़ा बहुत आगे पीछे 19-20 हो जाता है, इसका मतलब ये नहीं कि छोड़ दें, करते रहना चाहिए। अच्छा गिव अवे वाला वर्ड आप यकीन करें मुझे भी बहुत बुरा लगता है। आप यकीन करें जहाँ पे गिव अवे लिखा होता है ना, इंस्टा पे भी अक्सर वीडियोस वगैरह में भी देख रही होती हूँ, मेकअप के हवाले से, चीज़ों के हवाले से, स्ट्रेटनर व्यूज बढ़ाने के चक्कर में होता है, जैसे इतने कमेंट्स, इतने लाइक्स, इतने शेयर्स, मैं हैरान होती हूँ यार, अगर 10 से 15 स्टेट में बांट देंगे आपको कितना बुरा लगेगा, फ्री फंड में किसी से कोई चीज लो। हमारे यहाँ तो ऊपर से लेना चलता हुआ रहा है ना, हमारा तो शुरू से ही, हम तो हमारा तो डीएनए में समझो हो गया, तो एक तरह से ये चीज़ है और इसी चीज़ की वजह से ही जिंदगी में एक मरतब अगर किसी ने मांग लिया बस तो वो गया, उसकी मतलब, खुददारी बढ़ गई। मैं मतलब मुझे बड़ी हैरत होती है, अच्छा मतलब मांगना नहीं चाहिए, मतलब अगर मांग लिया बड़ी मुश्किल से मजबूरी से, फिर आपके अंदर से वो शर्म, वो सेल्फ रिस्पेक्ट ख़त्म हो जाता है। ये कैसे आता है, ये चीज़ कैसे आती है, जैसे आप इसको क्या कहेंगे, तरबियत में शामिल होता है मांगना? नहीं जैसे एक, अब मैं अपनी मिसाल दूँ, मुझे अपने पेरेंट्स से मांगना बुरा लगता है। अब यकीन करें मैट्रिक के बाद से जितनी भी फीसेस हैं मैंने खुद पे करी अपनी। देखिए सबसे पहले तो ये तरबियत होती है, है ना, ठीक है ना, तरबियत में होता है। जब आपके माँ बाप किसी से नहीं मांग रहे, या आपके माँ बाप ऐसी बातें कर रहे हों, या आपके माँ बाप 10 दफ़ा सोच रहे हों मुझे उनसे पैसे लेने हैं, उन्होंने मुझसे लिए हुए, उन्होंने जो मेरे पैसे लिए हुए मुझे मांगते हुए शर्म आ रही है। जब आप इस तरह बातें सुनते हो घरों में, यार उन्होंने ये इतने लिए थे मेरे से उधार, अब मैं उसे कैसे मांगूँ, उसको खुद दे देने चाहिए। कुछ बंदा अच्छा, कुछ ऐसे होते हैं, बच्चा ही छोटा सा होता है, माँ बाप कह रहे हैं जाओ उनसे पैसे लेके आ जाओ, माँ बाप भेजते हैं छोटे बच्चों को, ये तरबियत हो गई ना, माँ बाप कहते हैं जाओ बच्चों फलाने घर से पैसे ले आओ, और कहे मेरी अम्मी आपको बाद में दे देगी, यार वो थोड़ी सी चीनी ले आओ, यार थोड़ा सा आटा ले आओ, थोड़ा सा वो ले आओ। अच्छा फिर बच्चे मतलब उनके लिए चीज़ कॉमन हो जाती है। अच्छा ये तो हो गया मांगना, एक ये हो गया कि आपने किसी को कोई सर्विस दे दी, कोई डॉक्टर है उसने इलाज कर लिया, अब वो अपने पेशेंट से पैसे लेगा। ऐसे लोग, मैं अपने लोगों की बात करूं कि सर्विस देने के बाद उनको पैसे मांगते हुए बुरा लग रहा होता है,
मतलब मेहनत करने के बाद किसी का टीवी बना दिया, किसी का कोई आइटम सही कर दिया, कोई प्रॉब्लम लाहक हुई उसको सेट कर दिया, अच्छा, उसके बाद भी मांगते हुए जी आपने पैसे क्यों नहीं मांगे, कि मुझे शर्म आ रही थी, अरे तो आपने अच्छा, मेहनत की है। अच्छा सामने वाले को क्या करना चाहिए, सामने वाले को उसको दे देना, खुद दे देना चाहिए ना। कुछ लोग ऐसे खुददार होते हैं कि ठीक है बस अब ये काम कर लिया, मैंने आपका काम कर दिया, कर दिया, अब आपका फर्ज जो बनता है वो कर दें। अब एक बंदा मांगे मतलब हाँ ठीक है इतने पैसे बन गए, तो बड़ा एक सिस्टम अजीब सा होता है कि बड़ा, और जिसने जिंदगी में नहीं मांगा हो ना उनके साथ ही होता है वो, तो जॉब की होती है, वो ये कहते हैं हमारे बाप ने कभी नहीं मांगा, हम कैसे मांगे, हमारे हाथ नहीं होता। अच्छा खैर इन्होंने इस बात को ऐसे तशबी दी, इन्होंने कहा बड़े कामयाब इंसान क्या निशानी है, लेकिन ऐसे शख्स ये आदत हो गई उसके बाद वो कामयाबी के रास्ते पे चलेगा तो कामयाब बनेगा, लेकिन ये आदत है, ये एक समझे निशानी है। हमारे यहाँ पे जैसे कहते हैं कि गॉड की एक एक्ट है देना, गॉड का एक्ट है देना दुनिया को, अगर आप गॉड का ये वाला एक्ट करते हैं फिर आपको गॉड नवाजता है। अच्छा आपको कैसे लगे ये डियर सर, बहुत ही यंगर लगे मुझे, सबसे मुझे अच्छे लगे। और इनका जो मिशन था, इनका जो मकसद था, मकसद मिशन वाई क्लियर होना चाहिए, तो इनका मिशन था कि मैथ के हवाले से जो खौफ है वो ख़त्म हो, उस वजह से उनकी कामयाबी हुई, तो बहुत अच्छा लगा, बहुत ज़बरदस्त। और जितनी भी वीडियो संदेश महेश्वरी की देखते हैं, जो भी लोग आते हैं, बहुत अच्छा लगता है, बहुत बहुत ज़्यादा डायमंड इंडिया में मौजूद हैं। तो एक बहुत ज़बरदस्त वीडियो, दोबारा किसी और हिसाब से मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।